10 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर सुमेरपुर की जनता को बजट में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। इसी को लेकर सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बजट पेश होने से पहले मुलाकात कर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में करीबन 40 बिंदुओं का लिखित लेटर सौंपा और क्षेत्र के लिए विधानसभा बजट में मांग की। इसमें मुख्य मांग सुमेरपुर को जिला बनाने की है, साथ ही जवाई कमांड और हेमावास कमांड क्षेत्र में नहर की मरम्मत की भी मांग की गई। इस दौरान विधायक ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में पहले सीएससी क्रमोन्नत हुई थी, जिसे उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की मांग की गई है। जयपुर गया तब शॉप के आया हूँ, जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ जो जवाई कमांड क्षेत्र और अमावास कमांड क्षेत्र में नहरों के काम है वो क्षतिग्रस्त है और कच्चे खाली है, तो किसानों को बहुत तकलीफ होती है। तो नहरों को पक्की कर, नहरों को रिपेयरिंग करने और खालियों को पक्के करने के काम है, उसके लिए मांग की है। दूसरी मांग यहाँ जो सुमेरपुर में सीएससी है वो बहुत पहले कर्मोन्नत हुई थी और पाली जालौर और सिरोही के लोग मरीज या सुमेरपुर में मंडी होने के नाते, व्यापारिक क्षेत्र होने के नाते ज़्यादा आते, तो इसको जिला उप जिला अस्पताल में कर्मोन्नत करने के लिए मांग की है। यहाँ सुमेरपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम नहीं है, तो सुमेरपुर सेंट्रल पॉइंट है, तो यहाँ पर खेल स्टेडियम, आउटडोर इंडोर स्टेडियम की भी हमने मांग की है। उप स्वास्थ्य केंद्र को कर्मोन्नत करने, कई केंद्र ऐसे हैं जिनको कर्मोन्नत करने की आवश्यकता है, उनकी भी मांग की है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको भी कर्मोन्नत करने की हमने मांग की है। कई भवन रहित जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनको भवन बनाने की भी मांग की है हमने। सुमेरपुर को जिला बनाने की भी मांग की है। लंबे समय से लोग सुमेरपुर सेंट्रल पॉइंट होने से जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं, तो हमने पिछली बार भी मांग की थी, इस बार भी मांग की है। सुमेरपुर के पास में जो फिल्म सिटी बनाने का काम पिछली भाजपा सरकार के समय एस्टिमेट बना था, उसके लिए जमीन भी आवंटित हो गई थी, वो काम भी सरकार ने रोक रखा है, उसको भी वापस बजट में लेकर के उस काम को करने की हम लोगों ने